हेलो गाइस, मैं कमलेश सर आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 मैथ का एक क्वेश्चन है लिखे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेड पार्ट। एक फिगर बना हुआ है, एक फिगर का शेड पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना है। शेड पार्ट क्या है देखो, ये देखिए ये है इसे पार्ट है, और ये देखिए आपका 21 है। 21 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 21 है, ये भी 21 है। और जो अंदर वाला जो सर्कल का क्वार्टर पार्ट है, 1/4 भाग है, उसका एरिया दिया है 14 मीटर। तो क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेड पार्ट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है, 21 मीटर है, इसको हम आर वन मान लेंगे, और अंदर वाले को हम मान लेंगे आर टू मान लेंगे। लेटर एक्सटीरियर रेडियस, एक्सटीरियर रेडियस क्या हो जाएगा, आर वन मान लेंगे, आर वन इज इक्वल टू 21 मीटर एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस आपका आर वन इक्वल टू 21 हो जाएगा, और इंटरनल रेडियस आर टू इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए अंदर का 14 मीटर जाएगा। तो एरिया ऑफ शेड पार्ट, तो एरिया ऑफ शेड पार्ट क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल एरिया में से इंटरनल एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा शेड पार्ट। यहां पर देंगे एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल एरिया ऑफ 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल माइनस इंटरनल एरिया ऑफ 1/4 सर्कल। देखिए यहाँ पे ये विभाग क्या है, सर्कल का 1/4 भाग है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल मान लीजिए ये आपका सर्कल है, सर्कल में क्या हो गया, ये पार्ट क्या जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये आपका 1/4 है। तो 1/4 एक्सटर्नल एरिया में से 1/4 आपके इंटरनल एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया आपसे जरा पार्ट या पोर्शन। देखिए यहाँ पे इक्वल टू 1 एक्सटर्नल एरिया 1/4 सर्कल हमें क्या होता है 1/4 πr² इसमें क्या करेंगे आर वन मान लेंगे माइनस, अब इसपे इंटरनल क्या हो जाएगा 1/4 πr² इसको आर टू मान लें, एक्सटर्नल है और ये इंटरनल। एक्सटर्नल रेडियस में हम 21 लिखेंगे, इंटरनल रेडियस में आर टू वाले में 14 लिख देंगे, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 देखिए पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पे इनटू 5 दोनों मैच कर रहा है, इसमें काम लिया 1/4 πr हमने काम लिया। तो क्या बचा r1² - r2² गया, अब मान के 1/4 × π पर कितना होता है 22/7 में R1 कितना 21 है, 21² - R2 कितना 14 है, तो ये 14 का² आप साफ करिए 1/4 × 22/7 × 21² कितना होता है 441 माइनस ब्रैकेट में, अब 14 का² क्या होता है 196 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल रखते हैं,
यहां देखिए तीन साल कर लेते हैं हम लोग, वन अपॉन फोर उतार लेंगे मल्टीप्लाई 22 अपॉन से उतार लेंगे मल्टीप्लाई, इसमें माइनस करिए वन में माइनस करीमा 11 में से गया 5 हो गया यानी 13 में से 9 को माइनस कर देंगे पूरा जाएगा 4 11 में से गया 5 और 3 स्क्वायर 13 में से 9 को माइनस कर देंगे 4 जाएगा यहां पे 3 बचेगा 3 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आएगा 2 हो गया। अब इसे काटेंगे काले इसको 7 हो गया 7 3 जा 21 24 में से 21 को माइनस करेंगे 3 तो 535 हो जाएगा 7 5 जा 35। अब इसे काटिए कुछ काटिए 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 हो जाएगा। अब 11 मल्टीप्लाई इसमें करिए 11 5 जा 55 के 5 कैरी 5 हो गया 11 जा 33 33 और 5 38 हो गया अपॉन 2। अब इसका 2 का डिवाइड कर देंगे देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया आपका कैरी 2 1 जा 2 हो गया 3 2 गया 1 था 18 2 9 जा 18 कर गया 2 डिवाइड कर 5 करेंगे 2 2 जा 4 हो गया 0.5 2 5 जा 10 यानी 192.5 क्या ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।